सब लोग कहते हो तो भाई अपनी गाड़ियों पे वीडियो बनाओ, कंपनी का अभी नहीं बता सकते, इसलिए मुझे तो टाइम बताना ही नहीं है। हमारी जो है नई सीट भी आ चुकी है। किस कलर में देखना चाहते हो आप अपनी जिप्सी को? जब मैं छोटा था ना ये गाड़ी देखता था, तो मतलब इसका जो डिजाइन है जंग लग गया एकदम। आप बताओ हो गए ना गाड़ी अपनी कितने, 1.5 फीट लिफ्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जस्ट निकल ही रहा था तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, ठीक है, इस बाइक के लिए। तो कॉल आया ऐसे कि भाई ने कहा सर आपके पास एक एटीएम ड्यूक है? मैंने कहा हाँ भाई है। कह रहे सर उसका ना इंश्योरेंस खत्म हो गया है। जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो तो 5 साल के लिए रहता है, लेकिन जो वो पूरा रहता है ना कुछ जिसमें क्लेम श्लेम आप ले सकते हैं, गाड़ी को डैमेज हो कुछ हो, तो वो आपका खत्म हो गया। तो आप मुझे अपनी आरसी की फोटो भेज दो ताकि मैं आपको प्रीमियम बना के भेज दूं। अभी मैंने सोचा मेरी बाइक लिए मुझे साल भी हो गया ना, तो मैंने उतनी चलाई, प्लस इस पे एक्सपेंस, दो सर्विस करवाई, फिर एक बार इसकी सील लीक हो गई, फिर उसके बाद अभी इंश्योरेंस भी देना है। तो आप ये देखो, गाड़ी लेना तो इजी है, लेकिन अगर आप उसे ना भी चलाओ तो भी वो आपसे खर्चा मांगती है। बट ये कोई बात नहीं है, शौक है, पाले हुए हैं, अच्छा लगता है, तो खर्चे भी हमें करने पड़ते हैं। तो इसी के साथ हो रही है आज के दिन की शुरुआत। और भाई बहुत ही टाइम हो गया, तो ये गाड़ी तो हमने खैर बाहर ही लगा रखी है, आज इसका दिन नहीं है। तो बेसिकली ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, मतलब घर से मैं आया था उसके बाद एक दिन चलाई, उसके बाद ये गाड़ी चलाई ही नहीं। और सब लोग क्या है कमेंट वगैरह भी करते हैं, तरुण भाई अपनी गाड़ियों पे वीडियो बनाओ। अरे रोज रोज अपनी गाड़ी पे नहीं कुछ हो सकता भाई, इतना मतलब अब ऐसा भी नहीं ना कि मैं रोज इसको बस दिखा दूं तो आपको चल जाए। आपको चाहिए कि इस पे आप कुछ काम करवाओ, कुछ नया करो, क्रिएटिविटी करो, है ना, या ट्रिप करो, जो भी है। तो फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, आज निकलते हैं और आज का सीन क्या है वो आपको बताते हैं। और ये पता नहीं 10 दिन बाद चलने वाली है, डीजल विजल पता नहीं इस पे कितना है कितना नहीं है ना, देखना पड़ेगा। वो देखो स्मॉल टाउन राइडर की नंबर प्लेटें मैंने रखी है। अमित भैया की वर्कशॉप में गया था तो ये प्लेटें मैंने रख ली थी। और चलो इसको छोड़ो, इसका भी है कोई सीन, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। कितने दिन बाद, इतनी बड़ी गाड़ी है चला नहीं पाता हूँ, मेरे को ऐसा करना चाहिए रोज एक दिन एक एक गाड़ी चलानी चाहिए। काफी दिन से क्या है कि मैं अपने इस काले चश्मे को भी जो है मिस कर रहा हूँ। बेसिकली ये ना जिमनी में पड़ा हुआ था, तो जिमनी मेरे पास होती नहीं थी, तो फिर ये जिमनी में रह गया। फिर कल जिमनी जब मैंने लाई तो मैंने कहा नहीं, काला चश्मा इम्पोर्टेंट है। सब लोग कहते हो तो भाई अपनी गाड़ियों पे वीडियो बनाओ, अपनी गाड़ी दिखाओ, ये करो वो करो। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी गाड़ी, कौन से वाली जो हमने अपने काम के लिए छोड़ी हुई है। तो सीधा चलेंगे वर्कशॉप गंग्याल और वहां पे जाके आपको बताते हैं कि हमारी जिप्सी का क्या स्टेटस है और क्या कुछ एक्साइटिंग मॉड। मैंने थोड़ा सा उलझा हुआ ना चीजों में, तो एक चीज बोल तो देता हूँ फिर भूल ही जाता हूँ कि हाँ भाई उस पे वापस अपडेट भी देनी है। तो बताते हैं आपको कि जिप्सी कहां पहुंची है, क्या उसका स्टेटस है। आज तो इसको भी चला के एक अलग ही फील आ रहा है, मतलब यू नो दैट गैंगस्टर फील, वो आ रही है मेरे को। मतलब पुरानी गाड़ी है चाहे, मतलब मैं तो चलो ठीक है, लेकिन फील है यार ऐसे, मैं खुद में ही गुंडा गुंडा सा फील कर रहा हूँ। मजा आ रहा है। इधर गंग्याल वाली साइड ना आने का एक रीजन ये भी होता है कि यहाँ ना जाम बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा ना डर सा लगता है जाम में फंसे रहेंगे। बट आज कंपैरेटिवली जाम मतलब मैं बड़ा स्मूथली नॉर्मली है, पता नहीं आज है भी कोई ऐसा भी नहीं है, वेंसडे ही है ना, तो ऐसा है कि भाई कोई वीकेंड ऑफ चल रहा है या कुछ है, नॉर्मल डे है तो जाम तो रहता ही है, बट आज पता नहीं क्यों नहीं है। तो चलो ठीक है, अपने लिए तो अच्छा ही है, नहीं है जाम तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गाड़ी गलियों में, फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। तो ये गाड़ी देख के लगा कहीं मेरे को ये मेरी गाड़ी तो नहीं है, फिर मैं नोटिस करा कि भाई मेरी गाड़ी पे ये तो पीछे बनाना ही नहीं है, तो ये मेरी गाड़ी तो नहीं हो सकती। तो चलिए पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, ये रही जी अपनी गाड़ी। तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा जो इसका रैप है वो उतार दिया गया है, जैसे ग्रे वाले से तो नहीं पता चलेगा, उस साइड दिखा के बताते हैं आपको कि उतरा है कि नहीं उतरा, नहीं इस साइड से तो नहीं उतरा। काम जो है वो शुरू हो चुका है और उस्ताद जी भी आ चुके हैं। उस्ताद जी कैमरे से थोड़ा साइड पे जा रहे हैं। उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो उस्ताद जी आए हैं संडे को, और उस्ताद जी दसो फिर क्या अपडेट है, कितने दिन से कम्प्लीट? कम्प्लीट अभी नहीं बता सकते। अच्छा हाँ, अभी टाइम लगे, अभी शुरुआत ही हुई है। ठीक है, उस्ताद जी भी चाहते हैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है, नहीं तो फिर क्या मैं रोज ही आ जाता हूँ कि भाई हाँ इतने दिन बताए थे, हुआ नहीं, इसलिए मुझे तो टाइम बताना ही नहीं है। ना, ना, ना। तो चलिए कोई नहीं, बट फिर भी देख सकते हो आप गाड़ी का काम जो है वो शुरू हो चुका है, एंड फ्रॉम हियर नाउ यू कैन गेस कि भाई गाड़ी पे क्या होने वाला है। ठीक है, आइडिया लग गया है आपको, नहीं लगा है बता दो मुझे। ठीक है, तो काम हो ही जाएगा। हाँ काम शुरू हो गया तो हो ही जाएगा। ये जो रॉड्स लगी हैं ये देख के आप समझ सकते हो कि भाई गाड़ी पे क्या काम होने वाला है। तो ये गाड़ी पे काम करवाने का ना एक मेन रीजन ये भी रहा, जैसे सब लोग कहते हैं कि एक तो तुम भाई अपनी गाड़ी पे काम, और फिर क्या है
बड़े सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑफ रोड नहीं करते, क्या नहीं करते, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, देखो यार किसी के पास कितनी भी गाड़ियां होना, लेकिन ऑफ रोड के लिए एक ही गाड़ी रहती है, ठीक है, और वो होती है एक्सट्रीम प्रिपेयर इस हिसाब से। सो फिलहाल इस गाड़ी को देख के आप ये कह सकते हो कि कोशिश तो है कि भाई इसको हमने एक एक्सट्रीम ऑफ रोड बिल्ड करना है। अपनी पहली गाड़ी भी है, इस पे हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, प्लस कैपेबल भी है नो डाउट ये गाड़ी। तो यही रीजन है कि इसे हमने बनाना है अब ऑफ रोड मोस्टर। तो जैसे जैसे काम होता जाएगा वो आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी हम जो है कैबिन की हाइट भी एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है इतनी हाइट जो कैबिन की है वो एक्सटेंड हो जाएगी, 2 इंच होगी ना, 2 इंच हाइट इंक्रीज हो जाएगी। वैसे मेरे लिए तो क्या है कि ठीक है, बट जैसे उस दिन क्या है रोहन भाई मेरे साथ आए थे तो उन्हें बैठने में थोड़ा सा सर टच करता है, और इवन हमने क्या है सीटें हमारी कौन सी वाली है कहाँ रखी हुई, ये वाली है, तो हमारी जो है नई सीट भी आ चुकी है, ये आ गई जी हमारी सीट, इनोवा की सीट है आर्मरेस्ट वाली, जो उस दिन मैंने आपको रख के दिखाई थी ना वो एक्चुअली किसी और गाड़ी के लिए तैयार थी, बट मुझे अच्छा नीचे का तैयार हो गया, ठीक है तो बस यही है, क्योंकि यार देखो बैठने का ना कंफर्ट बहुत जरूरी रहता है, और वो जो सेंट्रो वाली सीट्स है ना उसमें कुछ फील वील नहीं रहा, तो सीट्स भी है और बाकी रैली कैबिन तो सॉरी बोल दिया, तो वो तो तैयार हो ही रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका बॉडी वर्क का काम, बाकी इस पे क्या क्या होने वाला है वो जैसे जैसे होगा आपको दिखा देंगे, अभी नहीं बता दूंगा हाँ मैं यहाँ से ये कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, बस आप देखते जाओ क्या क्या होने वाला है, मजा आपको आने वाला है। अभी अपनी गाड़ी पे तो जो है काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही खास गाड़ी। तो ये है जी अपनी एंडेवर 4x4 लिखा हुआ इस पे है नहीं है वो अभी हम चेक करते हैं। तो यार मतलब बेसिकली ये गाड़ी भी ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, जस्ट बिकॉज पता क्यों, क्योंकि इस तरह के डिजाइन वाली गाड़ी ऐसा नहीं कि अभी, ये तो पुराना मॉडल है, ये तो बंद भी पता नहीं कब का हो गया, लेकिन जब ये आती थी जब मैं छोटा था ना ये गाड़ी देखता था, तो मतलब इसका जो डिजाइन है स्टेशन वैगन टाइप, प्रॉपर स्टेशन वैगन तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ वैसी जो फील है ये गाड़ी देती थी, और काफी अच्छा मुझे इसका डिजाइन लगता था, बट ठीक है वही आफ्टर मार्केट सपोर्ट ना होने की वजह से और फिर रीसेल गिरने की वजह से हम इस गाड़ी पे कभी हाथ नहीं डाल पाए। इवन आज मुझे ये गाड़ी मिले भी तो भी मतलब मैं हाथ डालने से डरूंगा, बिकॉज इसकी आफ्टर मार्केट सपोर्ट बहुत टफ होगी और ये गाड़ी आपको निचोड़ के रख सकती है, बट फिर भी आज मेरे को ये पहली बार मिली और पहली बार मैं इतनी पास से इसको देखने वाला हूँ, ठीक है। वैसे अंदर से तो खैर गाड़ी बड़ी बेसिक सी ही है, मतलब सपोज लगा लो जैसे मेरी फॉर्च्यूनर है ये उसी टाइप की उसी ईयर वेयर की मॉडल होगी, तो ज्यादा कुछ है नहीं, और ये तो बिल्कुल ही बेस मॉडल है, देखो स्टेयरिंग पे इस पे कोई कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्प्ले जो है ये चेंज की ही होगी, ठीक है बाकी, बट अपने टाइम में काफी एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी जो है वो भाई। हैंड ब्रेक देख रहे हो कहाँ पे, इसकी हैंड ब्रेक ही होगी और तो कुछ हो नहीं सकता, ये सही था, ये सही लगा मुझे, और बाकी कुछ खास फ्यूल लिड ओपनिंग वगैरह ये वो सब कुछ है, बट किस किस को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है मुझे जरूर बताइएगा। इट्स लाइक ये एक चाइल्डहुड ड्रीम रही होगी मेरी एज के बड़े सारे लोगों की, बट आज अगर आप ये ड्रीम अफोर्ड भी कर सकते हो तो भी आप करोगे नहीं, जस्ट बिकॉज कि ये आपको पेन बहुत देगी। तो बाकी ये देखो अलावा और नीचे से आपको दिखा देता हूँ, ये देखो नीचे इसके डिस्क नहीं है तो 4x2 आती है ये बेसिकली, तो कभी 4x4 एंडेवर मेरे को मिले ना तो इसमें टेस्ट करना चाहूंगा, चलाना चाहूंगा कि क्या इसकी कैपेबिलिटीज रहती हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है। देखने में तो गाड़ी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब तक आप उसे लेके चलाते नहीं हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि भाई गाड़ी में असली दम क्या है, असली बात क्या है, तो यही कुछ सीन है। तो ये पता नहीं किस काम के लिए आई होगी यहाँ पे, तो ऊपर देखो रूफ रेल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप, कटिंग का काम जो है वो चालू है, तो ये इसकी लेंथ कम की है अभी, इंजीनियरिंग है ये है उस्ताद जी, इसकी टेपर देखना उसको बेच दे, क्या टेपर मतलब चौड़ा कितना रखना है और इसको जो है स्लॉन्ट का एंगल कितना देना है वो बहुत प्रॉपर होगा, नहीं तो गाड़ी का यहाँ से क्या है लुक कई बार अगली भी हो जाता है अगर रैली कैबिन जो है प्रॉपर ना बना हो, बट इतने मुझे लग रहा है लग तो सही रहा है। ठीक है ठीक है, नहीं कोई नहीं, तो ये है ये सारा डिस्पोजल खैर मेरे पे ही आ गया कि क्योंकि गाड़ी मेरी है ना, तो हर एक बंदे की क्या है प्रेफरेंस पसंद अपने हिसाब से रहती है, किसी को हाँ हाँ, तो उस्ताद जी भी बिल्कुल भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, कह रहे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपनी तरफ से कंफर्म कर लो कितना टेढ़ा चाहिए, कितना लंबा चाहिए, कितना हाइट में चाहिए, और उसके बाद जो है सारा काम शुरू होएगा। बस अभी का क्या है ना, जब तक ये रॉड्स लगी हुई हैं तब हम इसमें ऑल्टर कर सकते हैं, आपको लेंथ बढ़ानी है कुछ भी करना है, बट एक बार जब इस पर शीट लग गई ना फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, फिर उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, इसलिए अभी हमारे पास ऑप्शन रहता है बन जाए जैसा भी है, उसके बाद फिर थोड़ी आएगी दिक्कत अगर उसके बाद करवाना होगा, इसलिए ये बेसिकली एक वहम की ज़्यादा चीज़ रहती है, और जो भी है जैसा भी है। किस कलर में देखना चाहते हो आप अपनी जिप्सी को, जोकर को, इस बार इसे जोकर नहीं, नाम तो जोकर ही रहेगा इसका, लेकिन इसको थीम जोकर वाला नहीं देंगे, थीम इसको देंगे कोई हम खतरनाक, समझ गए,
अभी निकलते हैं अभी यहाँ से, अपडेट आपको भी दिखा दी, खुद भी देख ली। तो पिंका भी अभी है नहीं, वो गए हुए हैं कहीं काम से, उनको आने में लगेगा टाइम। तो इतनी देर हम जो बाकी हमारे काम है, एक गाड़ी और है रैली कैबिन, वो भी चाहे तो देख के आ जाएंगे उसमें क्या क्या डायमेंशन है, कितना कितना है, कैसे कैसे है। तो चलो और थार का ये कलर भी ना कुछ अलग ही लगता है, मतलब नहीं ऐसा, मतलब रैप करवाएं हम गाड़ी को अगर हमारे पास गाड़ी हो, कंपनी भी ऐसा कलर दे रही है। भाई लोग मिले आज, मतलब जो भी मिलता है वो कहते हैं यार ये गाड़ी ना वीडियोस में नहीं दिखती बट ऐसे बहुत प्यारी दिखती है। अभी वीडियोस में भी प्यारी दिखे इसके लिए क्या करें, मजा आ रहा है मेरे को व्लॉग करने में भी घूमने में भी। वी रीच मेन मार्केट, इसी को दिखा लो अच्छा। तो चलिएगा, रोज सुनो अक्ष भैया, कैसा लग रहा है मेरे को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टाइम नो सी। और फॉर्च्यूनर को भी देख के, फॉर्च्यूनर को भी हम देखेंगे आई साइड। तो चलिए गाइस, यही कुछ मसला है। पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से अगर मैंने गाड़ी नहीं चलाई तो इसका एक पार्ट हमने एक बड़ी अच्छी एक्सेसरी इसकी मंगवा रखी थी और मैं उसका वेट कर रहा था और मैंने सोचा वही जब इस पे लगाए ना वो इसकी लुक्स को जो है कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अक्षय भी अभी बता रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है। तो वो मसला क्या है बताएं, अभी छोड़ो अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएं। तो कोई चक्कर नहीं है, अब आ गई इसकी बाकी पेंडिंग चीजें। अब देखो रैप तो हमने करवा लिया, एक तो क्या है ये जो नीचे व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, आज अक्षय भी इसको ब्लू करना है, इसको ब्लू कर देते हैं और ये फुट रेस्ट खोल देते हैं। हाँ फुट रेस्ट, फुट स्टेप, क्योंकि इससे देखो ना गाड़ी लिफ्ट भी करवाई, टायर भी डलवाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी गाड़ी ना उतनी हाइट पे लगती नहीं है। तो ये जो फुट स्टेप है इनको हम हटा देंगे और फिर देखते हैं क्या कुछ लुक्स में जो है फर्क पड़ता है। वैसे ही बेचारे नाजुक ही हैं। टॉक थार CRD मतलब बड़ी रेयर फाइंड है और अपने ही बहुत खास दोस्त हैं जिनकी ये गाड़ी, और अंदर से देखो मतलब एकदम रॉ, मतलब मेरे को नहीं लगता ये तो जैसी कंपनी से निकल के आई ना वैसी ही गाड़ी है। तो और ये जो है 2015 से पहले वाला मॉडल है, इसका डैशबोर्ड देख के आप समझ सकते हो। तो एक गेड़ी मार कर आते हैं, कैसा फील आता है यार, अपने पास भी थी बट चलो। गाइस अभी मैं ना फील कर सकता हूँ जैसे जब आप एक दूसरी वाली थोड़ी सी मॉडर्न हाईटेक गाड़ी चलाने लग जाते हो तो एक रॉ गाड़ी चलाने में आपको क्या, जिप्सी को छोड़ दें वो एक अलग ही चीज़ है, बट जैसे ये गाड़ी है तो ये भी पावर स्टीयरिंग ही आती है बट इसका पावर स्टीयरिंग वैसा नहीं है जैसा हमारी दूसरी गाड़ियों का आता है। प्लस ये गाड़ी जो है काफ़ी देर से खड़ी थी और स्टीयरिंग तो कितना घूम जाता है इसका, और क्या मतलब CRD में भी फील है, मतलब ऑफ रोड के स्पेक से देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। संजय भैया ठीक हो? संजय भैया नाराज हो गए, कह रहे सर आते हो आप रुकते नहीं हो कुछ नहीं। फिर मैंने कहा आज करो आप कुछ, तो अभी ये फुटस्टेप जो है उतार देंगे और नीचे की ये इसको कर देंगे और फिर देखना, मतलब है कुछ नहीं है, एक तरह से बेवकूफ बनाने वाली बात है लेकिन उससे हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो संजय भैया ज्यादा जगह से बोल्ट लगे हैं क्या इसको? जंग लग गया एकदम, अच्छा टूट जा रहा है वो, अच्छा टूट जा रहा है, अच्छा टूटा गया, अच्छा तो फिर ये खुलेंगे कैसे अगर टूट रहे हैं? तो टूट गया सर, अच्छा। तो गाइज ये मसला आ रहा है फुट स्टेप खुलने में, और अभी बड़ी सारी चीज़ें हैं बिकॉज जब ली थी उस टाइम बड़ा तेज से सोचा था, फिर थोड़ा सा डिले हो गया, तो अब मैं सोचता हूँ कि इस पर ना म्यूज़िक सिस्टम भी क्यों ना अपग्रेड करवा ही दिया जाए। और ये देखो मतलब गाड़ी, ये है असली चीज़। हुई सर मिस्टर भव्या, आज देखो सीधा स्कूल से ही आगमन हो गया, और क्या कहना चाहोगे? पता नहीं 3 हफ्ते से मैं लगातार आ रहा हूँ, वही वो भैया है, भैया के पास आ रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ भैया कहाँ पे, भैया कहाँ पे, फाइनली आज मिल गए। कैसा लग रहा है मिलके? बहुत अच्छा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बढ़िया सब बढ़िया, बस अब मिलते रहेंगे, अब फिर से हमने वही काम करने शुरू कर दिए। ठीक है गाइस, अब देखो अब लग रही है ना हाइट, मतलब यहाँ से पता नहीं कैसी लग रही है, मतलब अब तो इतनी हाइट, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि बैठने चढ़ने में किसी को, अब अगर जैसे घर से मम्मा वगैरह को बैठना होगा तो उनको दिक्कत होगी, बट क्या करें ज़रूरी है यार, ऐसे हाइट ना मज़ा नहीं आ रहा हाइट में ना। अब देखो फुट स्टेप उतर गया, तो चलो कोई चक्कर नहीं है। सो गाइस अभी संजय भैया बता रहे थे कि कुछ ब्रैकेट मुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है, मतलब उतारने में एक तो क्या है वो वाला तो वेल्ड ही किया हुआ था, मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो जैसे इस साइड ये तीन होने चाहिए ना बेसिकली, तीसरा नहीं है, तीसरा जो देखो यहाँ से क्या है इसको वेल्ड किया हुआ था। चलो कोई चक्कर नहीं है, तो अभी देखते हैं इस साइड वाला। और संजय भैया ये भी उतारो, इसकी ये टिप भी उतार दो, ये भी गंदी लगती है मेरे को, तो बहुत से लोगों ने बोल दिया ये ना मतलब नहीं अच्छा लगता, उतार देते हैं इसको भी। उस साइड से तो क्या है कि नहीं दिख पा रहा था प्रॉपरली, बट अब आपको यहाँ से दिखेगा, अब आपको दिख रही है ना हाइट। सो ये रीज़न है कि मैंने इसके जो फुट स्टेप हैं उतारे, अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये वाइट है नीचे से, जब इसको ही ब्लू कर देंगे ना तो फिर गाड़ी बिल्कुल एकदम एक ही उसमें हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी। और अब ऐसे आपको किया हमने कुछ नहीं है बट आपको लगेगा कि ओ भाई ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा लिफ्टेड है। चलिए गुड वन। तो गाइस ये देख रहे हो लग रहा है रैप एकदम, अभी यहाँ से तो आपको उतना नहीं दिख रहा है लेकिन जब ये बाहर से एकदम लुक्स में दिखेगा प्रॉपर। और अर्जुन भी लगा हुआ है। और सुनाओ संजय भैया, गप नहीं सुनाते हो यार,
क्रिकेट के? ओ संजय भैया क्या कहना चाहोगे? दो दिन में कहां कुछ खाया ना पाया, अरे संजय भैया का उस दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जो जोश भी था ना। संजय भैया चलता रहता है, क्या करना है, हार जीत लगी रहेगी। काफी देर से अंदर बैठे हुए थे एंड फाइनली द लुक इज कंप्लीट इस साइड से। आप बताओ हो गए ना गाड़ी अपनी कितने, एक डेढ़ फीट लिफ्ट, एक डेढ़ फीट तो कह ही सकते हैं, इंचों का हिसाब नहीं रहा अभी, अभी फीट पे चलेगा काम। एक डेढ़ फीट तो होगी ही, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसे तो ठीक है, कभी मम्मा को बिठाना पड़े तो कौन बैठे इस गाड़ी में, ये तो मेरी फैमिली कार थी यार, इस पे कौन बैठेगा। अभी इसी पे रिएक्शन बनेंगे, जब इस पे कोई बैठने लगेगा ना उनको बोलना है कि ये भाई इसके हैंडल पकड़ के ही बैठा जाएगा इस पे, ऐसे नहीं इस पे बैठा जाए। संजय भैया रोल रोल कितना बचा है? बहुत है, बहुत है। एक और फॉर्चूनर हो जाएगी? ना, तो छोटी गाड़ी कोई छोटी गाड़ी हो जाएगी, फिर मैं कोई बंदा देखूं, क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, ये आधा सामान बेच के कुछ पैसा तो आएगा है ना, क्योंकि मैंने देखा रैप तो आप प्रॉपर कर दोगे पूरा। ठीक है तो चलिए गाइस, अभी इसका कुछ रोल बचा हुआ है, ग्रीन वाले का भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो ये सारे नीला ग्रीन डाल डूल के ना किसी को रैप करवाना है क्या, कर देंगे, नहीं तो अपनी किसी जोकर पे कर देंगे ऐसा रैप। नहीं जोकर पे रैप नहीं, इस बार जोकर पे पेंट होगा। फाइनली गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, चल रहा है शोर, अब लग रही है लिफ्ट, अब लग रही है सही। और अक्षय भैया ने भी देखो मेरे जैसी कटिंग कराई, उधर देखो आपका कट कहाँ पे है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल निकलते हैं अब यहाँ से, प्यारी लग रही है, ये शोर बहुत आ रहा है, अभी ज्यादा बात नहीं कर सकते। आज जो है स्टॉक भी लेके जा रहे हैं सारा, जो हमारी गाड़ी का बचा हुआ है। अक्षय भैया ये भी थोड़ा सा रैप बचा है, थोड़ा सा ग्रीन वाला ही बचा है, कोई गाड़ी ढूंढो, जोकर 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 फॉर्च्यूनर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रीन अच्छा भी लगे है ना, बिल्कुल वो ग्रीन अच्छा लगे इस थीम के साथ, बहुत अच्छा लगे। चलो कोई नहीं, हो सकता है ये भी रैप के ऊपर रैप चिपकता है। बस गाइस नया प्लान आ गया, ये बताना नहीं है वीडियो में। आगे पे ना एक कट है, ठीक है, जहाँ से मैं मतलब बाहर निकलता हूँ ना वो वाला, शाम के टाइम कोई यहाँ से जा रहा है, कोई वहां सामने से आ रहा है, तो वो क्रॉस जो करने का चक्कर है ना उसके चक्कर में यहाँ लगता है इतना सारा जाम। मतलब अब सबसे ज्यादा अगर क्राउड वाली मेरे रास्ते में कोई जगह आती है तो वो यही है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये चाहिए कि इसको ना वन वे कर देना चाहिए, वो वाला कट जो है उसको बंद ही कर देना चाहिए, ताकि जिसको इस साइड भी जाना है वो आगे से घूम के आए, और जिसको नीचे से भी जाना है वो भी इधर से घूम के आए, ताकि जाम ना लगे। और एक और चीज़, जैसे तरुण भाई से मैंने बात करी तो वो कह रहे कि वो अपनी तरफ से कंप्लेंट वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी यहाँ होते रहते हैं, बट कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यार, ठीक है चलान वलान सारे काट रहे हैं, हमारी मॉडिफिकेशन भी इलीगल है, बट कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जिसकी वजह से आम जनता भी हरास हो रही है, आम लोगों को दिक्कत भी हो रही है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। अगर पहुँच चुके हैं, गाड़ी आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ जी ठीक हो? सब बढ़िया जी, अभी लुक ठीक लग रही है, ठीक लग रही है लुक। वरुण भाई किधर गए? तो बेसिकली क्या है, अभी गाड़ी मैंने ऊपर तो चढ़ा दी, तरुण भैया यहाँ से उतारे तो लग जाएगी नीचे, पक्का उतार दूँ? तो चलो गाइस अभी उतार के देखते हैं, मेरे को तो लग रहा है हो जाएगा गाइस। फाइनली पहुंच चुके हैं रूम पे वापस, और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। आज के दिन में कुछ खास किया नहीं किया वो एक अलग चीज है, बट आज के दिन में एनर्जी मुझे खुद में फील हुई, तो मे भी हो सकता है एनर्जी वापस आ गई है, तो हम जोखिम लेने के लिए वापस रेडी भी हो चुके हैं। मॉडिफिकेशन इस पे थोड़े दिन के लिए इसको ब्रेक दे दिया था, लेकिन अब जो है आज जैसे मैं इसकी लुक देख रहा हूँ, तो मुझे अभी तो अंधेरे में आपको उतना नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही है गाड़ी। और अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको जिस काम के लिए लिया था वो किया जाए, रिस्पॉन्स जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर नहीं भी आ रहा तो भी मुझे जो काम है वो तो करना ही होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाकी प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और सब लोगों का कहना था, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मतलब कि टाइमिंग चेंज हो गई है इस वजह से, टाइमिंग। वैसे तो 1:30 बजे का ही मैं सोच रहा था, बट आई थिंक 7 ठीक है शाम के टाइम में, तो 1:30, क्योंकि 1:30 अगर सुबह लोग बिजी हैं तो 1:30 बजे भी लोग अपने काम काज में बिजी हैं, शाम का टाइम ऐसा है ना कि तब सब लोग फ्री हैं और उन्हें वीडियो देखनी है, तो वीडियो फिर से जो है स्मॉल टोन राइडर वाली फिर से 7 बजे ही आएगी। बहुत ही कन्फ्यूजन, मैंने बोला था कि मैं चेंज करूंगा नहीं, बट परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि चेंज करना पड़ रहा है। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बाय बाय।